नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रोमैक्स इन नोट 2 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो इन नोट 2 में 6.3 इंच जबकि नोट 12 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो इन नोट 2 में 2.93 इंच जबकि नोट 12 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो इन नोट 2 में 0.33 इंच जबकि नोट 12 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो इन नोट 2 में 205 ग्राम जबकि नोट 12 में 184.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इन नोट 2 में 6.43 इंचेस जबकि नोट 12 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन नोट 2 में 84.02% जबकि नोट 12 में 86.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो इन नोट 2 में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि नोट 12 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो इन नोट 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और नोट 12 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो इन नोट 2 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नोट 12 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो इन नोट 2 में माली G76MC4 जबकि नोट 12 में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो इन नोट 2 में MediaTek Helio G95 और नोट 12 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो इन नोट 2 में 4GB की RAM मिलती है जबकि नोट 12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो इन नोट 2 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि नोट 12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो इन नोट 2 में अप टू 256GB जबकि नोट 12 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो इन नोट 2 में 2 कलर्स जबकि नोट 12 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो इन नोट 2 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,490 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 12 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो माइक्रोमैक्स इन नोट 2 में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 की तो उसमें 8 फायदे और 7
नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 12 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में इन नोट 2 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G22 4G है, दूसरा पोको M4 प्रो है, तीसरा नोकिया G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें IQ Z65G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।